बड़े अच्छे लगते हैं। क्या हुआ? Everything okay? हार्ट अटैक दे दिया क्या? क्या लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्या है? तुम लोग इतनी देर क्यों लगाई? बैठो तुम लोग दोनों, बैठ, सिट डाउन। आधा घंटा पहले फोन किया और अभी आए हो तुम लोग दोनों। बता तो सही, एकदम अर्जेंटली बोला आ जाओ, सब ठीक तो है? अरे प्रॉब्लम हो गई है ना बहुत बड़ी, नहीं तो क्यों बुलाता मैं? तो बताओ तो सही। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मतलब आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है एंड मेरे सर में, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम दोनों से बात करो। अभी तो फिर बात घुमा घुमा के मत करना, साफ साफ बता क्या हुआ, क्या वो बोलना। प्रिया को कुछ हो गया, मतलब पागल हो गई आई थिंक। नहीं, वो बदल गई, एज इन कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रही है, मतलब मेरे को ताना नहीं मार रही, वो मेरे से आर्ग्यू नहीं कर रही, सुबह से कुछ नहीं कहा उसने मुझे, she is behaving very weird, मुझे बहुत डर लग रहा है, please help। तो बहुत serious problem है। कुछ serious नहीं है। अगर अच्छा behave कर रही है तो अच्छा हुआ ना, सब अच्छा चल रहा है। अरे क्या खाक अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। राम देख, इस बात को ना तू बिल्कुल मजाक में मत ले यार, ये बहुत serious problem है। देख दुनिया में कोई भी बीवी ना ऐसे ही अच्छा बर्ताव नहीं करती अपने पति के साथ, जरूर कोई ना कोई बड़ा एजेंडा होता ही है। हाँ। और घर भैया सडन ऐसे अच्छा बिहेव कर रही है तो शोर कोई उसमें बहुत बड़ा मोटिव है उसका। तू मुझे एक बात बता, उसने सुबह से कुछ कहा या चुपचाप है? एकदम चुपचाप है, कुछ नहीं कहा है उसने, और मैं जो भी कह रहा हूँ बस हाँ में हाँ मिलाती जा रही है यार। यार फिर तो वाकई कोई मैं कोई बहुत बड़ा बॉम्ब फटने वाला है घर में। अरे क्या यार, देख ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, देख काम अब तेरी शादी हो गई, अब तू समझ इस बात को, जब बीवियाँ हाँ कहती है ना तो उनका मतलब होता है ना, और जब ना कहती है तो उनका मतलब होता है हाँ, और जब वो चुप रहती है ना मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। राम यार ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं नहीं समझ पाऊंगा ये सब, लेकिन मैं इतना समझ गया हूँ कि सब कुछ बदल गया है यार, मतलब वो सुबह मुझे नाश्ता सर्व कर रही थी यार, और उसके बाद जब मैं खा रहा था वो मेरे बगल में खड़ी रही जैसे पंछी काका खड़े रहते हैं। उसके बाद वो मतलब चार चार चीजें मेरे सामने रख दी, छाछ लस्सी जूस चाय, मतलब चॉइसेस पे चॉइसेस देती जा रही थी। अच्छा टैबलेट, अब उस दिन क्या कह रही थी वो मुझे टैबलेट कपूर, अब उसने टैबलेट्स रख दिए मेरे सामने टैबलेट्स। ओ माय गॉड, राम लगता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ना, कुछ मेजर होने वाला है, तूने कुछ किया तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं किया, तू खामखा डरा क्यों रहा है यार मुझे? मैंने उसको डराओ मत, ओके? अरे डराओ मत क्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तुम कह रही हो डराओ मत। विक्रम हैटी, अरे इट्स रियली सिंपल, हम दोनों ने ही कहा था ना आगे कब बढ़ोगे, तो बस उसने पहल कर दी, वो कदम आगे बढ़ गई है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी आगे बढ़ो। हाँ, वो मतलब मैं क्या करूँ? क्या करूँ मतलब क्या, can't you see बाबा प्रिया तुम्हारी तरफ थोड़ी रोमांटिक हो रही है, तो तुम्हें भी रोमांटिक होना पड़ेगा, इट्स क्लियर कि वो तुम्हें चाहने लगी है। वो तुम्हें पसंद करने लगी है, तुम्हारे लिए फील करने लगी है, वो तुम भी अपने दिल में झांक के देखो, शायद फीलिंग्स होंगी। देखो मुझे तो लग रहा है वो तुमसे प्यार करने लगी है। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम यार, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, स्पेशली आजकल यार, अभी करवा चौथ अभी गया है और करवा चौथ के दिन पत्नी और पति एक दूसरे के और करीब आते हैं, फिर फेस्टिव सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, यू नो मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर का महीना सबसे ज्यादा रोमांटिक होता है, तो ऐसी फीलिंग्स अपने आप आती है। हम दोनों की मुलाकात भी ना अक्टूबर नवंबर में ही हुई थी, मुझे अभी भी याद है बेबी, तुम्हें याद है हमारा वो फर्स्ट डेट? एक मिनट, वो बातें यानी देख राम, तेरा ऑफिस से जरा बिस्कुट संभाला यार, तुम दोनों मेरी मदद करने आए हो कि ये सब करने आए हो यार? अरे तो मदद ही तो कर रहे हैं तुम्हारी। नेहा मजाक बात हो गया, देख राम अभी तक हम सिर्फ तेरी क्लास लगा रहे थे, ऐसी कोई भी बात नहीं है, धीरे धीरे तेरे को बता दो। बोल। देख तेरी लाइफ में जो कमी थी ना वो पूरी, प्रिया तेरे को चाहने लगी, और इसलिए कह रहा हूँ कि अब अपना हनीमून तू सीरियसली रीथिंक, जा उसको लेके। अरे पागल हो गए हो तुम दोनों,
प्रिया खुद नहीं चाहती कि मैं हनीमून के लिए ले जाऊं उसे। प्रिया क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है उसे जानने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं तुम्हें समझाती हूँ ना। ओके देखो, जब जब कोई लड़की किसी लड़के को चाहने लगती है ना तो वो साइंस देती है। लाइक जब मुझे विक्रम पसंद आया था ना, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं हमेशा उसके पास आने के लिए कोई ना कोई बहाने बनाती थी, फिर बात बात पर छूती थी, यू नो लाइक स्टॉप इट यार ऐसे नहीं होते, तो यू नो छूने के बहाने। फिर हाँ, जब वो मुझे देखता था तो ऑटोमेटिकली मैं शर्मा जाती थी और फिर बालों के साथ खेलती थी। तो ओ अगर 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 तुम प्रिया की तरफ देखोगे और वो शर्माने लगे या अपने बालों को संवारने लगे ना तो समझ जाना शी डज रियली लाइक यू। तुम्हारी पसंद की चीजें ना अब उसे अचानक अच्छी लगने लगेंगी, इसलिए वो टोक नहीं रही है शायद। अब वो तुम्हारे सामने वो यू नो जल्दी बनकर नहीं आएगी, थोड़ी टिप टॉप लगेगी, शी ट्राई एंड लुक हर बेस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी रहने की कोशिश करेगी, बट शी इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे जस्ट लुक आउट फॉर दी साइंस। स्पीकिंग ऑफ लुकिंग आउट, अरे मेरे बच्चे स्कूल के बाहर खड़े होंगे, चलो जाकर पिकअप करना उन्हें। अरे तुम जाओ ना नेहा, मैं राम के साथ बैठता हूँ, देखो कितनी टेंशन में बेचारा। एक्सक्यूज मी, वहाँ पे पार्किंग नहीं है, तुम्हें गाड़ी चलानी है, चलो गुड लक फिर हम भैया। चलो तू टेंशन मत ले, सब ठीक है। हाँ जस्ट हैंग ऑन देयर, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.